Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is lecture number 3rd from chapter number 4, Fertilization from Developmental Biology for BSZoology and MSZoology students. Dear friends, a काफी important topic हमारे exams point of view से, and topic name is Species Specific Recognition of Sperm and Egg. Is that clear? असल में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना टॉपिक वो है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन्स. क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं? हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, राइट? इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनमें से एक चैलेंज ये होता है कि किस तरह से स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जो हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए, राइट? क्योंकि वहाँ पर डियर फ्रेंड्स वाटर के अंदर ही स्पर्म सेल और एग सेल को रिलीज़ कर दिया जाएगा. पानी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, बहुत सारी स्पीशीज़ के स्पर्म्स और एग मौजूद होंगे. क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और स्पीशी का जो स्पर्म है वो किसी और स्पीशी के एग सेल को जाके फर्टिलाइज कर दे? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है? तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या रीज़न है कि ये जो स्पर्म और एग सेल रिकॉग्निशन होती है ये स्पीशी स्पेसिफिक होती है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हम असल में इन्वर्टिब्रेट जिसका नाम है सी अर्चिन उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, हम उसके अंदर देखने वाले हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन के फिशेस जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम रहती है कि वो किस तरह से अपने स्पर्म और एग सेल्स को एक दूसरे के करीब लेके आएँ. तो इसी तरह से हम सी अर्चिन्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको एग सेल की तरफ लेके जाने के लिए ना एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, हम उसको नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का. हम उसको क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं कीमोटैक्सिस. तो आपने डियर फ्रेंड्स याद रखना है कि सबसे जो बेसिक मैकेनिज्म है स्पीशी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग इज द कीमोटैक्सिस. क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, कीमोटैक्सिस का मतलब के अट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल. अब सपोज दैट कि डियर फ्रेंड्स, जो सी अर्चिन फीमेल है उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने प्रोड्यूस किया एग सेल. इज डैट क्लियर? अब ये जो एग सेल उसने प्रोड्यूस किया, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो एग सेल है, एग सेल की जो जेली लेयर होती है, एग सेल की कौन सी लेयर होती है? जो बाहर वाली लेयर होती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? जेली लेयर का नाम देते हैं. अब ये जो जेली लेयर होती है, इस जेली लेयर में क्या डियर फ्रेंड्स होता है कि ये केमिकल रिलीज करता है. ये क्या रिलीज करेगा? ये केमिकल रिलीज करेगा. इनको कौन अट्रैक्ट करेगा? इनको डियर फ्रेंड्स अट्रैक्ट करेंगे स्पर्म सेल. तो स्पर्म सेल्स जो होंगे वो केमिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे. जैसे ही केमिकल्स आएंगे, क्योंकि उन केमिकल्स की जो रिसेप्टर साइट्स होंगे, केमिकल रिलीज किया एग जेली लेयर ने, और उन केमिकल्स के डियर फ्रेंड्स जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? वो होंगी स्पर्म्स के ऊपर, उनकी रिसेप्टर साइट्स मौजूद होंगी केमिकल्स की. एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा जहां पर उस केमिकल की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. ऑब्वियसली बात है, जहां पर एग मौजूद होगा कंसेंट्रेशन वहीं पे ज्यादा होगी. तो डियर फ्रेंड्स, ये इजीली कहां पर पहुंच जाएगा? उस एरिया में पहुंच जाएगा जहां पर उसके केमिकल्स की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अगर बात करें ना सी अर्चिन्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक रोल समझना है, एक केमिकल का रोल समझना है. और उस केमिकल का नेम क्या है डियर फ्रेंड्स? उस केमिकल का नेम है रिसैक्ट. क्या नेम है? रिसैक्ट. हम देखते हैं कि किस तरह से ये एक स्पीशी जिसका नाम है अर्बेशिया पनक्यूलेटा या पंचुलेटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है? रिसैक्ट. इसको डियर फ्रेंड्स दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं. यूएसए में अगर इसको प्रोनाउंसिएट करें तो हम इसको बोलेंगे अर्बेशिया पंचुलेटा, पंचुलेटा, अर्बेशिया पंचू लेटा, इसको डियर फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएट करते हैं. तो इस स्पीशी के अंदर जो रिसैक्ट है, ये एक केमिकल है जिसका बहुत रोल रहता है. अगर आपको एक चीज़ याद रखिए डियर फ्रेंड्स, जो कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस इज आल्सो स्पीशी स्पेसिफिक. कीमोटैक्सिस भी क्या होती है? स्पीशी स्पेसिफिक होती है. यानी कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज में क्या होगी? डिफरेंट होगी. ऐसा नहीं होगा कि हर स्पीशी के अंदर ये एक जैसे रहने वाले, नहीं, ये हर स्पीशी के अंदर क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स? डिफरेंट हो जाएंगे. तो ये भी हमारे पास क्या है? स्पीशी स्पेसिफिक आ गई. अब अगर डियर फ्रेंड्स हम एक कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वो जो कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है, डैट्स नेम इज अ 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड. 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, इट इज अ कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल. और जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं रिसैक्ट का. क्या नाम देते हैं? रिसैक्ट का नाम देते हैं. ये असल में डियर फ्रेंड्स क्या किया गया, ये एग जेली जो हमारे पास जेली लेयर है ना एग की, सी अर्चन की एक खास स्पीशी से हमने हासिल किया है. और वो जो खास स्पीशी है उसका नेम क्या है? डैट्स नेम इज अ अर्बेशिया
ARBACIA अरबेशिया, आगे आपने पढ़ना है PUNCTULATA अरबेशिया पनक्यूलेटा, अरबेशिया पनक्यूलेटा, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैंने जैसा कि स्टार्ट पे कहा कि एग उसकी जेली लेयर से केमिकल निकलेगा, डिटेक्ट करेंगे उनको स्पर्म, इसी तरह से अरबेशिया पंक्यूलेटा या पंचुलेटा जो कि क्या है, जो कि एक सी अर्चन है, जो कि क्या चीज है डियर फ्रेंड्स, एक सी अर्चन है, उसकी जेली लेयर से ये केमिकल निकला और इसको डिटेक्ट कौन करेगा, इसको डिटेक्ट करेंगे नो डाउट स्पर्म डिटेक्ट करेंगे, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनको कौन डिटेक्ट करेगा, अरबेशिया जो स्पीशी होगी उसी स्पीशी के जो स्पर्म होंगे वो इसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक ना ड्रॉप लिया गया सी वाटर का, सिर्फ ये साबित करने के लिए और देखने के लिए क्या वाकई में रिसेक्ट का कोई काम है भी या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया डियर फ्रेंड्स, एक ड्रॉप लिया गया सी वाटर का और वो जो ड्रॉप था उस ड्रॉप के अंदर क्या मौजूद थे, जो अरबेशिया स्पीशी है उसके स्पर्म्स मौजूद थे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं सी वाटर का हमने ड्रॉप लिया, सी वाटर कंटेनिंग जिसके अंदर मौजूद थे स्पर्म ऑफ अरबेशिया, ठीक है, जो अरबेशिया स्पीशी है उसके स्पर्म्स क्या थे, उसके अंदर मौजूद थे और उसको डियर फ्रेंड्स जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे स्टडी किया गया। अब जब स्टडी किया गया तो डियर फ्रेंड्स पता चला कि जो स्पर्म्स हैं वो असल में सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, असल में वो कैसे घूम रहे हैं, वो सर्कल के अंदर घूम रहे हैं और वो जो सर्कल है वो कितने मिली, उनका जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है सर्कल का वो कितना होता है, वो आपने याद रखने 50 माइक्रोमीटर। तो आपने ये चीज़ याद रखना कि हमने एक ड्रॉप वहाँ से लिया, उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें देखने पे पता चला कि जो स्पर्म है वो कैसे मूव कर रहे हैं, हम कहेंगे स्पर्म मूव्स कर रहे थे किसके अंदर, मूव्स इन सर्कल, सर्कल के अंदर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही हमने रिसेक्ट इंजेक्ट किया, जैसे ही हमने क्या किया रिसेक्ट को इंजेक्ट किया, रिसेक्ट को इंजेक्ट करते ही क्या हुआ कि वो जितने भी स्पर्म्स थे वो सारे के सारे स्पर्म्स माइग्रेट कर गए, किसकी तरफ माइग्रेट कर गए, उस केमिकल की तरफ माइग्रेट कर गए, ठीक है, विद इन अ सेकेंड माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन टूवर्ड्स टूवर्ड्स किस तरफ, आपको ये चीज़ याद रखनी है, टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि वो कंसेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर मूव कर जाएंगे, तो ये वहाँ पर जहाँ पर कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी रिसेक्ट की उस तरफ क्या कर गए, मूव कर गए चंद एक सेकेंड्स के अंदर ही मूव कर गए। डियर फ्रेंड्स जो रिसेक्ट होता है ये सिर्फ स्पेसिफिक है अरबेशिया पंचुलेटा के लिए, अरबेशिया पंचु या पंचुलेटा के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है कि जो रिसेक्ट है उसको कोई और सी अर्चन की कोई और जो स्पीशी है वो भी इस रिसेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है नहीं है, रिसेक्ट को सिर्फ सी अर्चन की एक ही स्पीशी डिटेक्ट करेगी, उसका नेम क्या होगा, अरबेशिया पंचुलेटा होगा, दूसरी स्पीशीज इसको डिटेक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो अरबेशिया पंचुलेटा में क्या होता है कि जो मेल स्पर्म होते हैं ना उन मेल स्पर्म के ऊपर रिसेप्टर साइट्स हैं और रिसेप्टर साइट किसके लिए, रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं किसके लिए, केमिकल के लिए जिसका नाम क्या है, रिसेक्ट है। अगर हम इसी स्पीशी के बाकी मेंबर्स की बात करते हैं तो उन मेंबर्स में रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट्स नहीं होती क्योंकि उनके जो स्पर्म्स हैं स्पर्म्स के ऊपर रिसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाली रिसेप्टर साइट्स उनके ऊपर मौजूद नहीं होती, इसी वजह से आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपको पूरा मैकेनिज्म तो समझाएंगे कि ये किस तरह से जाके उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जैसे जो रिसेप्ट है वो जाके रिसेप्टर साइट ऑफ स्पर्म के साथ अटैच होता है उसके नतीजे में क्या चेंजेस आती हैं। डियर फ्रेंड्स उसके नतीजे में एक चेंजेस तो ये आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, दैट इज इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज डियर फ्रेंड जो स्पर्म है उसकी जो मोर्टेलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन और स्पर्म मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट हम दूसरे लफ्जों में अगर बताना चाहें या कहना चाहें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ये असल में जो पेप्टाइड है जिसका नाम हमने 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड दिया था, ये असल में क्या है, ये स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है, इट इज अ स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है, इज दैट क्लियर। यहाँ तक होप सो आपको एक चीज समझ में आ गई कि हम इसको स्पर्म एक्टिवेटेड पेप्टाइड भी बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स होता इस तरह से है कि जैसे रिसेप्ट जाके
बाइंड करता है स्पर्म के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, जो साइटोप्लाज्मिक साइट्स होती है ना इसकी, वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो एटीपी है वो ज़्यादा जनरेट होगी। जब एटीपी ज़्यादा जनरेट होगी, स्पेशली तौर पर अगर आपको याद रखना है, तो एटीपी जो जनरेटिंग अपरेटस होता है डियर फ्रेंड्स, हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं डिनाइन एटीपी। क्या नाम देते हैं? डिनाइन एटीपी। एटीपी प्रोड्यूसिंग जनरेटर को क्या नाम देंगे? डिनाइन एटीपीएस का नाम देते हैं। तो ये जो डिनाइन एटीपीएस होगा डियर फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में ये क्या कर देगा, जो स्पर्म होता है स्पर्म को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, मूवमेंट करे। मूवमेंट ऑफ स्पर्म को क्या कर दिया जाएगा, इज स्टिम्यूलेटेड हो जाएगी। इज डैट क्लियर? तो ये एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर अरबेशिया पंचुलेटा के अंदर ये काम हो रहा है। अब डियर फ्रेंड्स, एक डायग्राम रह गई है, उस डायग्राम को ज़रा समझ लेते हैं कि किस तरह से वो हमें बताती है कि ये एक्टिवेशन का प्रोसेस होगा। अरबेशिया स्पीशी का जो एग की जेली लेयर है, वहाँ से प्रोड्यूस हुआ रिसैक्ट। ये रिसैक्ट डियर फ्रेंड्स आया और आकर ये स्पर्म की जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पर आकर, जो रिसेप्टर साइट है वहाँ पर आके बाइंड हो गया, जिसके नतीजे में एक्टिवेट हो गया। इसने एक्टिवेट कर दिया आरजीसी को। आरजीसी स्टैंड्स फॉर ग्वानिले साइक्लेस, ठीक है, ग्वानिले साइक्लेस को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स ये आरजीसी ने क्या किया, इसने इंट्रासेलुलर सीजीएमपी बना दिया। इंट्रासेलुलर सीजीएमपी, ये एक मैसेंजर है। अब सी साइक्लिक, जी का मतलब ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफास्फेट बना दिया। और इसने डियर फ्रेंड्स क्या किया, इसने कैल्शियम जो चैनल्स हैं स्पर्म की, ये आगे कैल्शियम चैनल, दीज आर द कैल्शियम चैनल्स, तो इसने जो कैल्शियम चैनल्स थे स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनको क्या कर दिया, उनको ओपन कर दिया कि जो कैल्शियम है वो डियर फ्रेंड्स क्या हो सके, वो कैल्शियम स्पर्म्स के अंदर इस तरह से एंटर हो सके। इज डेट क्लियर? तो इसने क्या किया, इसने इसको ओपन कर दिया ताकि कैल्शियम चैनल स्पर्म के अंदर क्या हो सके, एंटर हो सके, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स जैसे इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा, ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ये जो स्पर्म होगा स्पर्म को एक्टिवेट कर देगा, स्पर्म को एक्टिवेट कर देगा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी एक्टिवेट कर देगा, और डियर फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसकी जो मोर्टैलिटी होगी उसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये वो कुल मिला के मैकेनिज्म है जो हमारे पास अरबेशिया स्पीशीज के अंदर स्पर्म और एग की एक्टिवेशन के दौरान होता है।